दोस्तों IPL साल 2022 का सीज़न शुरू होने में अब काफ़ी कम समय रह गया है और मेगा ऑक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स बहुत ही जल्द ऑफिशियली भी BCCI की तरफ से बाहर निकल के आने वाली है। डेट्स अभी तक बाहर निकल के आई है बट उससे पहले एक और AGM मीटिंग होगी BCCI की, जिसके अंदर हमें रूल्स शायद चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। जो भी अपडेट होगी लखनऊ अहमदाबाद मेगा ऑक्शन से रिलेटेड आपको सबसे पहले यहाँ मिल जाएगी। बात करेंगे KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में और टीम KKR की दिन भर की टॉप खबरें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ दोस्तों खासकर KKR का जो रिटेंशन था उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और उन रिटेंशन के अंदर KKR मैनेजमेंट ने क्या कहा है, खासकर पर्स मनी को लेकर भी बड़ी अपडेट है। सब कुछ आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, तो वीडियो बहुत मज़ेदार बहुत इंटरेस्टिंग होगी। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों मैं आपको इंडिया का नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा, इनका नाम है रेडी अन्ना और ये साल 2010 से बने हुए हैं। यहाँ आप 160 प्लस गेम्स खेल सकते हो, इनके पास 15 प्लस साइट्स हैं और 100 ब्रांचेस से भी ज़्यादा है इंडिया के अंदर। 24/7 का विड्रॉल आपको यहाँ मिल जाता है। आप इनको व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हो, साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ आप काफ़ी सारी डिटेल्स जान सकते हो। इसके अलावा पेमेंट प्रूफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा, तो अभी जाके ज्वाइन कर लो रेडी अन्ना को। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए आगे जो भी अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आज काफ़ी रिलेटेबल होने वाली है, जिससे आप भी रिलेट कर पाओगे और ये ज़रूर आपने भी सोचा ही होगा। बट दोस्तों आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताओ, जो 4 रिटेंशन KKR ने किया है क्या वो वर्थ है, क्या उनको 4 रिटेंशन करना चाहिए और क्या वो सही प्लेयर हैं। पहली अपडेट निकल के आ रही है सुनील नारायण को लेकर। दोस्तों इस साल KKR ने उनको रिटेन किया है। पहले सीज़न की अगर बात करें यानी जो फर्स्ट हाफ था IPL साल 2021 का, उसके अंदर तो दोस्तों सुनील नारायण ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर रिटायर्ड ही हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड हाफ था उसके अंदर काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा, बॉल के साथ भी बैट के साथ भी। 6 करोड़ में इनको रिटेन किया गया है और KKR हमेशा इनको बैक करती है, यानी दोस्तों इनको लंबे समय से ये जो दोनों वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं आंद्रे रसल और सुनील नारायण, इन दोनों को बैक करती आ रही है। दोस्तों रिसेंटली जो मनिंदर बिस्ला है एक्स KKR प्लेयर, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया सुनील नारायण को लेकर। उन्होंने कहा कि सुनील नारायण एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं बट इनका जो यहां पर यूज है वो गौतम गंभीर से अलावा जो सबसे बेस्ट उन्होंने किया है, इसके अलावा आज तक कोई भी सुनील नारायण का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया है। जी हाँ दोस्तों, गौतम गंभीर की कप्तानी सुनील नारायण भी काफ़ी अच्छा खेलते थे, आप सभी को पता ही होगा वो ओपनिंग पारियां जो वो क्रिस लिन के साथ करते थे, चाहे गौतम गंभीर हो चाहे रॉबिन उत्पा हो। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको लगता है सुनील नारायण टीम में तो है बट उनका सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है गौतम गंभीर के जाने के बाद। अगली अपडेट निकल के आ रही है KKR रिटेंशन को लेकर। तो रिसेंटली दोस्तों KKR आप सभी को पता है 4 रिटेन किए गए हैं प्लेयर्स। इन 4 खिलाड़ियों के सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट्स की बात करें या फैंस की बात करें, यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी टेंशन अभी KKR मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिली है। तो KKR की जो रिटेंशन है उसके खिलाफ है, यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट और जो फैंस हैं उनका कहना था कि केवल जो एक रिटेंशन है रसल की वो सही है, इसके अलावा उनको राहुल त्रिपाठी को, शुभमन गिल को और लॉकी फर्गसन को रिटेन करना चाहिए था। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि अगर आपको 4 खिलाड़ी रिटेन करने होते KKR में से तो कौन कौन से होते। लास्ट अपडेट निकल के आ रही है KKR मैनेजमेंट को लेकर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो मेगा ऑक्शन के लिए सभी टीमें सभी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली मैनेजमेंट की तरफ से अपडेट निकल गया है कि हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की है रिटेंशन प्रोसेस के दौरान, हमें जिन जिनको रिटेन करना था वो हमने कर लिया। अब हम जानते हैं कि हमारे पास पर्स मनी थोड़ी कम है बट यही पार्ट है गेम का, यही गेम है और ये हमेशा हमारे हक में नहीं जाएगा, कभी हमारे साथ रहता है तो कभी हमारे अपोजिट रह जाता है। देखते हैं मैनेजमेंट के क्या प्लान्स रहते हैं मेगा ऑक्शन को लेकर। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना।